हे व्हाट्स अप व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का टाइटल और थंबनेल देखिए आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है और आज किस टॉपिक के बारे में वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एक माइक्रोफोन जो कि वायर वाला माइक्रोफोन है जो मैंने ATI Pro का लिया है और जिसका मॉडल नंबर है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर D5 वोकल। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया एक माइक है, मिनिमम बजट में काफ़ी बढ़िया माइक है। मैंने 2-3 प्रोग्राम इसमें यूज करके देखा है, काफ़ी बढ़िया माइक्रोफोन है गाइस। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड टेस्टिंग कर लेते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, ये एक वायर वाला माइक्रोफोन है जो कि ATI Pro की तरफ से है और जिसका यहाँ पर मॉडल नंबर आप लोग को दिख सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर है D5 वोकल और जो कि काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग क्वालिटी में है। तो जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और रिव्यू करते हैं और साथ में टेस्टिंग कर लेते हैं। तो गाइस, पहले इसका ओवरव्यूज देख लेते हैं और क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह है, तो चलिए देख लेते हैं इसका ओवरव्यूज। तो सबसे पहले यहाँ पर एक माइक का जो फीचर्स देखने को मिलता है हम लोग को, साथ में यहाँ पर इसका मॉडल नंबर जो कि D5 वोकल लिखा हुआ है जो, और यहाँ पर ATI Pro का ब्रांडिंग दिखा गया है गाइस। और उसके बाद में यहाँ पर इसके दूसरा साइड में यहाँ पर भी सेम है ATI Pro के ब्रांडिंग के साथ में, और इसके पीछे यहाँ पर माइक का फिक्चर के साथ में यहाँ पर देख पा रहे कुछ स्पेसिफिकेशन और ये सब कुछ मिलता है यहाँ पर जो है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक माइक मिलता है, साथ में ये जो होल्डर माइक होल्डर मिलता है और साथ में यहाँ पर एक जिप बैग मिलता है गाइस, पाउच एक छोटा सा जो कि माइक्रोफोन रखने के लिए। तो चलिए थोड़ा इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे मैंने पहले अनबॉक्सिंग कर चुका था लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए फिर से मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ गाइस। इससे पहले यहाँ पर जो माइक होल्डर यानी कि माइक होल्डिंग के लिए ये दिया गया है, और यहाँ पर जो है माइक मेन कंटेंट जो कि मैंने जिप पाउच में मैंने रख दिया हूँ, तो इसको खोल के देख लेते हैं। जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो काफ़ी बढ़िया माइक है गाइस और बिल्डिंग क्वालिटी भी काफ़ी और हैवी सब प्रीमियम सब फील होता है इसका बिल्डिंग क्वालिटी देख के। और यहाँ पे इसका जो ब्रांडिंग भी दिया गया है ATI Pro का, और ऑनऑफ के लिए ये छोटा सा एक स्विच जैसा है, और इसको थोड़ा साइड लगते हैं, इसका केबल देख लेते हैं कैसा है। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में, और केबल का बिल्डिंग क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी लंबी वायर है, और जिसका करीबन भी 5 मीटर जैसे होगी गाइस, इसका लेंथ 5 मीटर जैसे होगी, और जिसका जो बनावट है काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो है XLR का भी काफ़ी बढ़िया है, इसको थोड़ा खोल लेते हैं। और इसका जो यहाँ पर जॉइनिंग जो है सोल्डरिंग भी काफ़ी मजबूत तरीके से किया गया है आप देख सकते हैं, और साथ में इसका जो ये XLR का जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। साथ में यहाँ पर एक स्प्रिंग जैसा दिया गया है जिससे अगर हम लोग तार मोड़ते भी है फिर भी इसकी कारण से सेव रहती है तार को। और इसके दूसरे साइड में यहाँ पर इनपुट जो है ये देखते हैं, इसमें भी काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग सब बनाया हुआ है, और उसको भी खोल के हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसका भी जॉइनिंग आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया, और तार का क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, तो इसको भी थोड़ा कर देते हैं और देखते हैं मेन कंटेंट की तरफ, ये रखते हैं साइड में। तो गाइस, ये जो है इसका मेन कंटेंट, और ये मतलब ऐसे पकड़ने में काफ़ी हैवी यानी कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है, जिसका जो बनावट जो है काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर जो है ग्रिल वो भी काफ़ी बढ़िया से दिया गया है, और इसके अंदर में भी फोम लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो वाइट कलर का जो रिंग दिया गया है सिल्वर कलर का, इससे तो लुक्स बढ़िया आता है, जो प्रीमियम लुक्स आता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर ATI Pro का ब्रांडिंग दिया गया है, थोड़ी देर बाद में हम इसको थोड़ा चेक करेंगे, उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर में फोम भी लगाया है गाइस, जिसके कारण से हम लोग को विंड नॉइस वगैरह हम लोग थोड़ा कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो है मेन माइक, और इसको भी खोल सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि ये जो ग्लू से चिपकाया गया है और ये रिपेयरेबल है गाइस, तो इसको हम लोग ख़राब होगा ये पार्ट तो रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग फिर से लगा देते और करते इसका टेस्टिंग। इसका प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपका बाइंग लिंक भी दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए। और साथ में अभी तक मुझे इंस्टा और फेसबुक में फॉलो नहीं किए हैं तो प्रधान ब्लॉग करके आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं नया नया अपडेट वगैरह देता रहूँगा। तो गाइस अभी जाके फॉलो कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते। तो गाइस मैंने यहाँ पर इसको टेस्टिंग के लिए, ये माइक को टेस्टिंग के लिए मैंने एक यहाँ पर एम्पलीफायर फिट किया है जो कि 500 वाट का एम्पलीफायर है और स्टैंडर्ड की तरफ से है और जिसका मॉडल नंबर आपने देख लिया होगा यहाँ पर MCA 156 है और जिसका मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। गाइस अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो जाके वो वीडियो देख लीजिए जिसको आपने काफ़ी प्यार दिया है गाइस। और चलिए इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। और इसके साथ में मैंने लगाया हूँ, आप देख सकते हैं इधर पे जो डबल टॉप लगाया हूँ मैंने जो 1000 वाट का आउटपुट दे रहा है और इसको कनेक्ट किया मैंने स्पीकर के थ्रू। तो गाइस इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने ये यूज़ किया हूँ ये एम्पलीफायर जिसको माइक क्यू में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ गाइस। और यहाँ पर माइक इसका खोल रहा हूँ और देखते हैं इसका क्या इसका कैसा क्वालिटी आता है। थोड़ा मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, आस्ते आस्ते करके यहाँ पर खोल लेता हूँ। और ये ट्रिबल इतना खोल दिया, बेस इतना खोल दिया, उसके बाद में हम लोग मास्टर को ऑन करेंगे। ये मास्टर हेलो 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 हेलो। तो गाइस इसका कितना डिस्टेंस में कितना कैच कर रहा है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। तो गाइस करीबन इतना दूरी रहने तक भी ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और यहाँ पे इको होने की वजह से उतना मतलब क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है गाइस। करीबन आप 6 इंचेस का दूरी होने से भी ये माइक्रोफोन कैच कर रहा है, तो आप जान सकते हैं इसका पावर कितना है, काफ़ी बढ़िया पावर है। तो मैं भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 2-3 प्रोग्राम मैंने इस माइक्रोफोन से चलाया, काफ़ी बढ़िया लगा, इसीलिए मैं आप लोग को प्रेफर करता हूँ। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका बाइंग लिंक, आप जाके खरीद सकते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस, फिर एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 हेलो। तो गाइस करीबन भी इतना डिस्टेंस रहने से भी ये कैच कर रहा है, यानी कि इसका क्वालिटी बिल्डिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद में मैंने जैसे कि बताया काफ़ी प्रीमियम, आप पकड़ने से भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है जिसका बिल्डिंग क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो गाइस आज के लिए इतना ही बस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मेरा DMX कंट्रोलर के विषय में रहेगा और उसका मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा DMX कंट्रोलर जो कि 512 है उसके बारे में। तो बने रहे मेरे चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए गाइस। तो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद वंदे मातरम।